Hey everyone, hi, this is Lovely, and in this video we are going to study about canons of taxation. Canon word ka meaning hota hai some principle or law which we use to judge something. Aur yahan pe hum kya judge karne ja rahe hain? Taxation ko, tax ko. Whether the tax which we are talking about has all those qualities which a good tax should possess or not. Usi ko judge karne ke liye humne canons of taxation diye hain. तो जब हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का. ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु लेड डाउन फोर इंपॉर्टेंट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन. इन्होंने चार प्रिंसिपल्स दिए थे टैक्सेशन के, जिससे हम देख सकते हैं कि जो टैक्स है वो फेयर, गुड, जस्ट है कि नहीं. ठीक है, एंड लेटर ऑन उसके बाद कुछ और भी कैनन्स एड हुए हैं दूसरे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उन्हें भी हम इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम वो पहले स्टार्टिंग के चार टैक्सेशन के कैनन पढ़ते हैं जो कि एडम स्मिथ ने दिया था. नंबर वन है उनका कैनन ऑफ इक्वालिटी. एज द नेम सजेस्ट, कैनन ऑफ इक्वालिटी दैट मीन्स कि बराबरी का प्रिंसिपल, कि जो टैक्स है वो सब पे बराबर होना चाहिए. पर बराबर होने का मतलब क्या है, कि सबको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना चाहिए? नहीं, इसका कुछ और मीनिंग होता है, और वो है दैट सब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट ऑट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज नियरली एज पॉसिबल. यानी कि जो गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए जितने इंडिविजुअल होते हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, एज नियरली एज पॉसिबल, जितना वो कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव एबिलिटीज. ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी उनकी एबिलिटी हो, यानी कि अगर कोई पुअर इंसान है जिसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट करे, चाहे ना भी करे तो चलेगा. लेकिन वहीं पर जो रिच है, ठीक है, रिच स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में जो लोग हैं वो उतना पे करे जितनी उनकी एबिलिटी है. सो दैट इज इन प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यू विच दे इंजॉय अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. यानी कि जितना आपका रेवेन्यू बन रहा है, और बन कहाँ रहा है, जिस भी गवर्नमेंट के अंदर आप हैं, जिस भी कंट्री में आप हैं, ठीक है, तो जिस स्टेट के अंदर आप हैं और आपका जितना एबिलिटी के हिसाब से रेवेन्यू बन रहा है आपको उतना ही पे करना चाहिए. तो अगर आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो ज्यादा पे करिए टैक्स, और कम अर्न कर रहे हैं तो कम पे करिए, और बहुत कम है, पॉवर्टी में है आप, तो पे मत करिए. तो ये हो जाता है कैनन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, जो कि काफी फेयर कैनन है. सो वी कैन कंक्लूड कि एवरी पर्सन शुड पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, नॉट द सेम अमाउंट. राइट, सेम अमाउंट नहीं पे करना है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से पे करना है, तो उससे वो बराबर हो जाएगा. एंड एवरीबॉडी शुड नॉट पे एट द सेम रेट. यानी कि हर इंसान सेम रेट ऑफ टैक्स पर पेमेंट नहीं कर रहा होगा. जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स का. जिसकी इनकम 0 to 5 lakh है उनका स्लैब अलग है उस टैक्स का, उसके ऊपर का स्लैब अलग है. जिनकी 8 lakh से अबव इनकम है उनको अलग टैक्स देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड कर रखा है कि किसका कितना एबिलिटी है, कितना वो अर्न कर रहा है, उस हिसाब से वो टैक्स को पे करे. तो ये कैनन ऑफ इक्वालिटी हो गया. नेक्स्ट है हमारा कैनन ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब होता है कि हाँ, समथिंग विच वी नो हाउ इट विल बी. हमें सब पता है, हम सर्टेन है कि उसे कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे. तो वही बात हो जाती है. एडम स्मिथ ने दिया था ये कैनन ऑफ सर्टेनिटी, एंड ही सेड दैट टैक्स विच इंडिविजुअल इज बाउंड टू पे ऑट टू बी सर्टेन. जो इंडिविजुअल टैक्स पे करने जा रहा है वो सर्टेन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए. हर साल, हर मंथ आप टैक्स नहीं बदल सकते हैं. एंड नॉट आर्बिट्रेरी, वो एक आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए कि आप एवरी ईयर यू आर डिसाइडिंग कि इतना टैक्स पे करो, या इतना इनकम टैक्स होगा, या इतना वो होगा. वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअल्स को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. द टाइम ऑफ पेमेंट, उन्हें पता होना चाहिए कि कब वो टैक्स को पे करेंगे, वरना ऐसे तो डेट निकल जाएगी और फिर उनको उन पे आप लेट चार्ज लगा देंगे अचानक से, कभी भी कोई अगर आप डेडलाइन या टाइमिंग्स देते हैं, ठीक है. मैनर ऑफ पेमेंट, कैसे पे करना है वो भी आपको डिफाइन करना चाहिए. क्वांटिटी टू बी पेड, कितना पेमेंट करना है वो भी उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू द कॉन्ट्रीब्यूटर. जो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन प्लेन और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है. एंड टू एवरी अदर पर्सन, और बाकी जो और लोग हैं वो भी देख करके जान सके कि हाँ कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, ठीक है. तो यानी कि एक तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये, कि इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें पता रहेगा एंड वी विल बी सर्टेन अबाउट the taxation or the tax which we are paying. So there should be no element of arbitrariness in our tax, that is clear.
and state should also be certain about the amount of tax revenue and time when it is expected to flow in the exchequer. यानी कि जो state है, जो government है हमारी, जो हमारी सरकार है, जो हमारी country है, ठीक है, उसको भी certain होना पड़ेगा, उसको भी पता होना चाहिए ना कि कितना amount of tax revenue वो generate कर रहा है, कितने time पे कर रहा है, ठीक है, और कितना वो expect कर रहा है कि उसके exchequer, यानी उसके treasure में उतना पैसा आएगा या उतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है, तभी तो वो आगे की चीजों को प्लान कर पाएगा ना, तभी तो हर चीज सही से होगी और उसे पता होगा कि हाँ जितना हम टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आ रहा है कि नहीं. सो जो सर्टेनिटी है ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर भी और ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट भी होनी चाहिए. नेक्स्ट है हमारा कैनन ऑफ कन्वीनियंस. एज इट साउंड्स, कन्वीनियंस यानी कि कन्वीनियंट होना चाहिए टैक्स को पे करना. Every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay. मतलब कुछ ऐसा आपको टाइमिंग, कुछ ऐसा मैनर आप सेट करिए कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टैक्स के वो बहुत ही ईजिली और कन्वीनियंट वे में उसे पे कर पाए. ऐसा नहीं है कि सारा टैक्स आपको दिल्ली में ही पे करना है तो हर इंसान को दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कोई अथॉरिटी है जब तक वो हाँ नहीं करेगी आप टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे. मतलब ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए टैक्स को पेमेंट करने के लिए. इसका एग्जांपल है जैसे कि इंडिया में जो हम लैंड रेवेन्यू का पेमेंट करते हैं, ठीक है, जिसके पास भी लैंड होगी और उस पर वो कल्टीवेशन या कुछ भी काम कर रहे होंगे तो वो उसके लिए रेवेन्यू देते हैं. वो हमेशा पे होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि उस लैंड पे आप जो भी कल्टीवेशन कर रहे थे जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लैंड रेवेन्यू देंगे. यानी कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे ये टैक्सेस ले रही होगी जब हार्वेस्ट का सीजन खत्म हो जाता होगा. तो इस हिसाब से आपके पास कन्वीनियंस हुआ ना कि हाँ अब आप पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं, मींस है उसे पे करने के. ऐसे टाइम पे नहीं आपसे मांगा जा रहा है टैक्स जब वी नो कि अभी तो हार्वेस्टिंग नहीं हुई होगी तो लैंड रेवेन्यू लेना एक तरीके से सही नहीं है. वैसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई जो कि कंज्यूमर्स पे करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने कमोडिटीज पे जो वो बाय करते हैं, ठीक है, तो वो कब उन पे लगता है, कब आप पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी? अब तो चलो जीएसटी लगती है बट जब लगती थी इनडायरेक्टली आप पे तब कैसे लगता था? जब आप वो कमोडिटी खरीदते थे, ठीक है, शॉप से, दैट टाइम यू आर पेइंग द टैक्सेस इनडायरेक्टली, राइट? आपने टैक्स पे कर दिया एज अ कंज्यूमर इनडायरेक्टली. पर क्या अगर आप वो कमोडिटी नहीं खरीदते तो भी आप पे टैक्स लगता? तब नहीं लगता. तो दैट मीन्स व्हेन यू विल हैव दैट मनी टू बाय दैट कमोडिटी और दैट प्रोडक्ट ऑन विच एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स वुड बी चार्ज, ओनली देन एंड देयर यू विल बी पेइंग द टैक्स. तो आपके लिए कन्वीनियंट हो गया पे करना टैक्स को जब आपके पास पैसे हैं, मींस है उसे पे करने को, उसी दौरान आप उसको पे करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं बट प्रोडक्शन हो रहा है और हम आप पे एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स लगा देंगे क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, राइट? सो A consumer pays these taxes, sales tax, excise duty, when he buys commodity and at a time when he has the means to buy it. यानी ऐसे time पे जब उसके पास वो means, वो साधन है उसको buy करने के, which is what? Which is the amount of money, right? You have the money to pay and buy that commodity. जब तक नहीं आपके पास वो means, तब तक आप पे tax नहीं लग रहा है, right? तो इसलिए आपके लिए convenient हो गया tax को pay करना when you have the means to pay for it. Now talking about the fourth canon which Adam Smith put forth. Now talking about canon of economy, जो कि fourth canon है, ठीक है. Economy का मतलब है या फिर economical होने का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि जिससे हमें घाटा ना हो रहा हो कहीं पर, ठीक है, और मतलब कि बहुत ज्यादा फायदे के चक्कर में हम कहीं पे घाटे में ना चला जाए. और घाटे में कौन? चाहे वो टैक्स पेयर हो और चाहे वो स्टेट हो, ठीक है. तो कैनन ऑफ इकोनॉमी सेज कि एवरी टैक्स शुड सेटिस्फाई द कैनन इन टू वेज, फॉर द स्टेट एंड फॉर द टैक्स पेयर. द टैक्स शुड बी इकोनॉमिकल फॉर स्टेट एंड इट शुड ऑल्सो बी इकोनॉमिकल फॉर द टैक्स पेयर्स. इकोनॉमिकल से मतलब है कि जो टैक्स पेयर है ही शुड हैव सफिशियंट मनी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर पेइंग द टैक्स. टैक्स को पे करने के बाद उसके पास सफिशियंट मनी बचना चाहिए, यानी कि इतना हैवी टैक्स नहीं लगना चाहिए कि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ना बचे. क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर हैवी टैक्स लगता है तो इससे सेविंग्स डिस्करेज होंगी, लोग सेव नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट उनके पास कम है, लोग इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे. इन्वेस्टमेंट तभी करती है ना जब हमारे पास मनी हो, पैसे हो, ठीक है, और इससे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी
कम हो जाएगी, प्रोडक्शन लेवल हमारा डिक्रीज हो जाएगा, विच विल हैम्पर द इकोनॉमी एज अ होल. सो इट शुड नॉट बी इन अ वे दैट इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर द टैक्सपेयर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टेट, स्टेट यानी कि जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होता है टैक्स को लेने के लिए, ठीक है, वो सैलरीज इंप्लॉय करते हैं जो भी लोग टैक्स डिपार्टमेंट में इंप्लॉयड होते हैं, ठीक है, मशीन या फिर जो भी वो लोग इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं टैक्स को कलेक्ट करने में, जो भी इतने वो खर्च कर रहे हैं टैक्स को कलेक्शन करने के लिए, वो जो खर्च है, वो जो कॉस्ट है कलेक्शन का, ठीक है, वो ज्यादा अगर हुआ टैक्स के रेवेन्यू से, मतलब जितना टैक्स वो कलेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा तो वो खर्च कर दे रहे हैं टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ऐसे केस में वो टैक्स अनइकोनॉमिकल हो जाएगा स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ फायदा तो है नहीं. तो ऐसे टैक्स को लेवी नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसे टैक्स को लेवी करना चाहिए जो बहुत हैवी हो कंट्रीब्यूटर्स पर. ओके, हमें उसे इकोनॉमिकल रखना चाहिए. एडम स्मिथ की लैंग्वेज में देखें तो एवरी टैक्स ऑट टू बी कंट्राइव्ड एज बोथ टू टेक आउट एंड कीप आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द पीपल एज लिटिल एज पॉसिबल ओवर एंड अबव व्हाट इट ब्रिंग्स इनटू द पब्लिक ट्रेजरी ऑफ द स्टेट. यानी कि जो हर टैक्स को ऐसा होना चाहिए कि लोगों के जेब से, लोगों के पॉकेट से वो पैसे निकाले तो ठीक है, लेकिन उतना छोड़ भी दे जितना उनके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है. इट शुड टेक आउट एंड कीप आउट ऑफ द पॉकेट्स ऑफ द पीपल एज लिटिल एज पॉसिबल, कम से कम उनसे पैसे निकाले, ठीक है, और वो इतना हमें ध्यान में रखें कि वो जो पैसे वो निकाल रहा है टैक्स के रूप में, ठीक है, दैट शुड बी ओवर एंड अबव व्हाट इट ब्रिंग्स इन टू द पब्लिक ट्रेजरी ऑफ द स्टेट. ऐसा नहीं है कि सरकार का जो ट्रेजरी है, ठीक है, टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें टैक्स भरने के चक्कर में आप बहुत हैवी टैक्स लगा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा ही टैक्स इकोनॉमिकल होता है, लेकिन स्टेट के तरफ से भी देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कलेक्शन रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा हो. तो इसे ही हम कहेंगे कैनन ऑफ इकोनॉमी. तो ये जो चार हमने कैनन स्टार्टिंग में पढ़े, कैनन ऑफ इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, ठीक है, ये इनको हम क्लासिक कैनन्स कहेंगे. क्यों? क्योंकि उन्हें एडम स्मिथ ने दिया था, और वो भी बहुत पहले. उसके बाद लेटर ऑन जो इसमें नए कैनन्स जुड़े हैं वो हम पढ़ते हैं. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी से हम यही समझते हैं ना कि जितना आउटपुट मिल रहा है हमको वो हमारा मिनिमम इनपुट से हमें मिलना चाहिए, ठीक है. वही सेम बात यहाँ लिखी गई है कि इट शुड ब्रिंग लार्ज रेवेन्यू विच शुड बी एडिक्वेट फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए लार्ज रेवेन्यू आना चाहिए कलेक्शन से, ठीक है, बट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कीप इन माइंड टू नॉट टैक्स पीपल हैविली. मतलब लोगों को हैविली टैक्स नहीं करना है, इतना टैक्स करना है जितना हमें हमारे लिए सफिशियंट हो, ठीक है, और उससे और वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो. वही सेम बात आ जाती है, ऐसा ना हो कि हम टैक्स कलेक्शन में ज्यादा खर्च कर दे रहे हैं और हमें जो है टैक्सेस कम मिल रहे हैं. तो एक तरीके से इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसको प्रोडक्टिव नहीं रखते हैं और हैवी टैक्स लगाते हैं, तो वही सेम केस होगा कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी अफेक्ट होगी इकोनॉमी की, ठीक है. क्यों अफेक्ट होगी? क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट को लेके लोग डिस्करेज होंगे करने के लिए. वन टैक्स विच ब्रिंग्स इन टू लार्ज रेवेन्यू इज बेटर देन अ नंबर ऑफ टैक्सेस विच ब्रिंग स्मॉल रेवेन्यूज. मतलब छोटे छोटे रेवेन्यूज आप हर जगह से कलेक्ट करो, कभी ये टैक्स लगाओ, कभी वो टैक्स लगाओ, कभी एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऐसे ऐसे करके आप टैक्स लगा करके कलेक्शन कर रहे हो अलग अलग माध्यम से, ठीक है. इससे बेटर है कि एक बड़ा टैक्स लगाओ, उस टैक्स के अंदर इन सारे टैक्सेस को इंक्लूड कर दो, तो इससे कलेक्शन में ईजी पड़ता है, कैलकुलेशन में ईजी पड़ता है, एंड इट इज मोर प्रोडक्टिव. जैसे कि हमारा जीएसटी, इसीलिए जीएसटी को भी लाया गया है, क्योंकि उसी के अंदर कितने सारे टैक्सेस को हमने इंक्लूड कर लिया है. सो मैनी टैक्सेस मे नॉट बी प्रोडक्टिव. अगर हम बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं तो वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं. तो यही हो गया कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो कि एक अच्छे टैक्स में होना चाहिए. नाउ सिक्स्थ कैनन इज द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. दैट मीन्स जो हमारा टैक्स है वो इलास्टिक होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट चाहती है जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज करना, ठीक है, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत महसूस होती है ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो जो रेट्स हैं वो इलास्टिक होने चाहिए. मतलब अगर रेट बढ़ाया गया है तो रेवेन्यू ज़्यादा आना चाहिए, और रेट कम किए गए हैं तो रेवेन्यू कम होना चाहिए. ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो कि रेट बढ़ाने के बाद भी गवर्नमेंट सही से, मतलब रेट बढ़ने के बाद भी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो बढ़े ना, क्योंकि रेट बढ़ाया गया है तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए. तो उसे ही इलास्टिसिटी कहते हैं. रेट्स ऑफ टैक्सेस में इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि इफ वी हैव इंक्रीज द रेट
the taxes should be increased, and if we have reduced it, the taxes should be reduced, right? They can be levied on any number of commodities and their rates can be increased every year in order to raise more revenue. Agar hame apne revenue ko raise karna hai to hum tax rates ko badha sakte hain, yani government tax rates ko badha sakti hai. But it should not be in a way that it encourages inflationary pressures. Aisa nahi hai ki itna aap tax badha do ya itne heavy tax impose kar do ki inflationary pressures ban jaye hamari economy mein. Inflation kab aata hai? Jab productive capacity decrease karti hai, production kam ho jaye, saving kam ho, theek hai, log spendings na kare. Aur wo tabhi karenge na jab aap, tabhi nahi karenge na jab aap zyada taxes laga denge. So इलास्टिक होना चाहिए टैक्सेस को. गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को रेज करने के लिए बढ़ा दे, लेकिन इतना ना बढ़ा दे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ट्रिगर हो जाएं. नेक्स्ट कैनन है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अब फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी थोड़ा सेम साउंड कर रहे हैं, बट इनका मीनिंग डिफरेंट है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो टैक्स का सिस्टम है वो ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है. अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है, गवर्नमेंट को अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए टैक्स सिस्टम को गवर्नमेंट इजीली चेंज कर सकती है कि हाँ, जो भी हम टैक्सेस का हमने अभी स्लैब रखा है, वी कैन चेंज दैट. ठीक है, जो भी हमने जिस पर्टिकुलर कमोडिटीज पे हम टैक्स को टैक्स चार्ज नहीं करते थे, हम उस पर टैक्स चार्ज करने लगे. ये सब का सब हो जाता है फ्लेक्सीबिलिटी. अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसको गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर रखा है कि हम इस पर टैक्सेस नहीं लेंगे, बट अब वो उसको इंक्लूड करना चाहती हैं, तो वो उसको कर सकते हैं. इसे ही हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल है. नाउ देयर कैन नॉट बी एनी इलास्टिसिटी विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इलास्टिसिटी भी नहीं आएगी. अगर फ्लेक्सिबल है हमारा टैक्स का सिस्टम, तभी तो वो इलास्टिक भी होगा ना. फ्लेक्सिबल होने से तो हम टैक्स रेट्स को बढ़ा सकते हैं, और टैक्स रेट्स का बढ़ना मतलब रेवेन्यू का बढ़ जाना, तभी वो इलास्टिक कहलाएगा. तो ये थोड़ा उसमें डिफरेंस है, हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है. बिकॉज सम चेंज इज रिक्वायर्ड इन द रेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस इफ द स्टेट वॉन्ट्स टू इंक्रीज रेवेन्यू. यानी कि अगर स्टेट को अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ चेंज करना मतलब कि फ्लेक्सिबल होना. और फ्लेक्सिबल होगा तभी तो इलास्टिक होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी भी एक तरीके का चेंज ही तो है ना. आप रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को चेंज कर रहे हो, राइट. तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी है, तभी इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करेगी. नेक्स्ट है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी. एकदम सिंपल, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, सॉरी, हमारा जो टैक्स है वो इतना सिंपल, प्लेन और इंटेलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, कि लोगों को वो इजीली समझ में आ जाए, जो कॉमन टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, हम लोग हैं, हमारे दिमाग में वो घुस जाए कि अच्छा, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, कब पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं, ठीक है. इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल जनता को वो समझ में ना आए. सिंपल टू कैलकुलेट होना चाहिए, कि हम उसे कैलकुलेट कर लें, हमें खुद भी पता चल जाए कि हम क्यों इतना परसेंट टैक्स दे रहे हैं, या इतना परसेंट टैक्स देंगे तो कितना हम पे करेंगे. जो भी फॉर्म्स फिल करते हैं कैलकुलेशन और पेमेंट के लिए टैक्सेस के, दोज शुड बी सिंपल एंड इजी एंड प्लेन, ठीक है. सो सिंप्लिसिटी होने के कारण जो आम जनता है वो जागरूक रहती है, और इससे जो करप्शन है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि टैक्सेस कितने पे करने, क्या पे करने, तो हमसे जो भी चार्ज, इलीगल चार्ज भी अगर हो जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगी. तो करप्शन को अवॉइड करने के लिए कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि देखा जाए तो जल्दी कहीं देखने को मिलता नहीं है कि टैक्सेस सिंपल हो. टैक्स का नाम सुनते ही समझ में आने लगता है कि अरे कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है, राइट. नेक्स्ट है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो हमारे टैक्सेस हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है. ऑल्दो इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि जो टैक्स होते हैं उनको छोटे 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 जगह से अगर आप कलेक्ट करते हो तो इससे आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है अलग अलग टैक्सेस लगाने से. तो टैक्सेस कम से कम होने चाहिए, लेकिन थोड़ी वैरायटी होना जरूरी है, ठीक है. वैरायटी शुड बी देयर. मल्टीपल टैक्स सिस्टम ऑफ डाइवर्स नेचर शुड बी देयर. मतलब थोड़े अलग अलग टैक्सेस आप अलग अलग नेचर के लगाओ. इनकम टैक्स लगा रहे हो, कमोडिटीज पे अलग टैक्स लगा रहे हो, ठीक है. किसी के पास कोई एक अलग पर्टिकुलर, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर रह रहा है तो उस पर अलग टैक्स लग रहा है, जो नहीं रह रहा है उस पर नहीं लग रहा है. सो मल्टीपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए. क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जो टैक्स पेयर्स होंगे दे विल नॉट बी बर्डन विद अ हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन एग्रीगेट.
अचानक से उन पे एक साथ बहुत ज्यादा टैक्स जब आ जाएगा जो उन्हें पे करना होगा, चाहे साल के एंड में, चाहे मंथ के एंड में, चाहे जब, वो अचानक से ज्यादा बर्डन्ड हो जाएंगे। और उसी बर्डन को कम करने के लिए एटलीस्ट हम टैक्सेस को मल्टीपल नेचर में रख सकते हैं, ठीक है। देयर शुड बी मल्टीप्लिसिटी विच विल बी कन्वीनियंट फॉर दी टैक्स पेयर्स। नाउ मल्टीप्लिसिटी तो होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि वो डिफिकल्ट हो जाए एडमिनिस्टर करने में, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप सोर्सेज बना देंगे टैक्सेस के, या बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे अलग अलग छोटे छोटे, तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है ना, क्योंकि इजिली आप उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हो, आपका कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी बढ़ जाएगा, राइट। सो इतना भी डाइवर्स नहीं करना है, बट डाइवर्सिटी जरूरी है। सो नेक्स्ट कैनन है कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब होता है एक तरीके से कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्या यूजफुलनेस है, क्या यूटिलिटी है, जो भी टैक्स हम पे लग रहा है व्हाई इट इज ऑन अस, हम किस वे में उस चीज से बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे ग्राउंड्स हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अरे हमारी इनकम इतनी है, इतना अर्न कर रहे हैं इसलिए टैक्स दे रहे हैं। हम अगर किसी कमोडिटी पे टैक्स दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जीएसटी क्यों पे कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप जीएसटी जब आप पे करते हो तो गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विस चार्ज आपसे लेती है ना, कि वहां तक रिटेलर के पास आने के लिए, उसके बाद उसमें सेल्स टैक्स, उसमें एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो देर आर ग्राउंड्स फॉर विच द टैक्स इज बींग टेकन, दैट शुड बी डिटर्मिंड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कल को अनाउंस कर दे कि हम ये टैक्स लगाएंगे, अगर लगा रही है तो क्यों, किस ग्राउंड्स पे, दैट शुड बी डिटर्मिंड। वो कहता है कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी। एक अच्छे टैक्सेशन में जितने ज्यादा कैनन ऑफ टैक्सेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता दिखेगा, वो उतना ही अच्छा और बेहतर टैक्सेशन होगा, राइट। ऑल्दो वी नो कि हाँ कुछ कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज होता है कहीं ना कहीं, या कुछ कुछ चीजें कहीं हमें देखने को मिलती हैं। सो इन सब का मिक्सचर मिला करके जो टैक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट निर्धारित करती है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। टिल देन टेक केयर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।